फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वाइल्ड कार्ड सर्च के बारे में। एमएस वर्ड में फाइंड ऑप्शन में आप देखेंगे एक एडवांस फाइंड ऑप्शन होता है। इसमें आपको वाइल्ड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, यूज वाइल्ड कार्ड। जैसे ही आप यूज वाइल्ड कार्ड पे टिक करेंगे, मैच केस और फाइंड होल वर्ड ओनली चेकबॉक्स जो है वो अनअवेलेबल हो जाएंगे, यानी डिम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप इन ऑप्शंस को बंद नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। कोई भी स्पेशल करेक्टर सिंबल जिसको वाइल्ड कार्ड के लिए डिफाइन किया गया है, अगर उसको भी सर्च करना है तो उसके लिए उससे पहले बैक स्लैश का हम यूज करते हैं। हमने अपनी स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहला वाइल्ड कार्ड सिंबल हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। इसका हम यूज किसी भी एक सिंगल करेक्टर को फाइंड करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि बी से स्टार्ट होते हैं और एन पर फिनिश होते हैं, और इनके बीच में कोई एक करेक्टर है। उसके लिए बी लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एन लिखेंगे। अब ये मुझे वो सब वर्ड्स मेरे डॉक्यूमेंट्स में से सर्च करके दे देंगे जो बी से स्टार्ट है और एन पर फिनिश है और बीच में सिर्फ एक करेक्टर है। देखिए, पहला सर्च हुआ बैन, बिन, बुन, लेकिन बून को इसने सर्च करके नहीं दिखाया बिकॉज इसके बीच में दो करेक्टर हैं। मैंने बीच में क्वेश्चन मार्क लगाया है तो इसने सिंगल करेक्टर मुझे सर्च करके दिखाया है। दूसरा है एनी स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर्स की स्ट्रिंग यानी एक से ज्यादा करेक्टर्स बीच में हैं, उसके लिए हम स्टार का यूज करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह स्टार लगा देता हूं तो देखिए, बैन भी सर्च करके दिया है इसने, बिन भी, बून एंड बून भी इसने सर्च किया है। L स्टार P, ये मुझे L से स्टार्ट होने वाले और P पर खत्म होने वाले सभी वर्ड्स सर्च करके दे देगा। बीच में जितने मर्जी लेटर्स हों उससे फर्क नहीं पड़ता। लैप, लॉकअप, ये दोनों वर्ड्स सर्च हो रहे हैं। उसके बाद इसने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी सर्च करके मुझे दिखाया है जो कि L से स्टार्ट हो रहा है और P पर फिनिश हो रहा है। तो ऐसा कहीं पर भी कोई सिनेरियो है जो L से स्टार्ट है और P पर फिनिश है, बीच में स्टार सिलेक्टर हमारा काम करेगा। नेक्स्ट है द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। उसके लिए हम लेस देन एरो सिंबल का यूज करेंगे। यदि मुझे U से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स ढूंढने हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप देखिए ये वर्ड U से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला U सर्च करके दिखाया गया है, ये वाला भी, लेकिन सनराइज में भी U है लेकिन उसको सर्च नहीं किया इसने बिकॉज वो U से स्टार्ट नहीं हो रहा है। द एंड ऑफ अ वर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर देन एरो। अब कोई वर्ड इन पर अगर खत्म हो रहा है, मुझे ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि इन पर खत्म हो रहे हैं। एक से ज्यादा लेटर्स को सिलेक्ट करने के लिए हम ग्रुपिंग करते हैं, उसके लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। मुझे ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि इन पर खत्म हो रहे हैं। ये देखिए इन, ये हमारा इन पर खत्म हो रहा है। विद इन, विद इन भी इन पर खत्म हो रहा है लेकिन इनसाइड को इसने सर्च नहीं किया क्योंकि वो इन से स्टार्ट हो रहा है। इन, बिन, इन सब वर्ड्स को ढूंढकर इसने दिखा दिया है। नेक्स्ट है वन ऑफ द स्पेसिफाइड करेक्टर्स। स्पेसिफाइड करेक्टर्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में हम जितने भी करेक्टर्स लिख देंगे उसको ये सर्च करेगा। प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टी से स्टार्ट होने वाला वर्ड चाहिए, बीच में मैं चाहता हूं या तो आई हो या ओ हो, आई हो या ओ हो, कुछ भी हो, उसके बाद एन पर खत्म हो रहा हो, तो आप देख सकते हैं टिन, टन, इन दोनों वर्ड्स को इसने सर्च करके दिखा दिया है। इसका एक कॉम्बिनेशन हम और भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए मुझे ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि R से स्टार्ट हो रहे हैं, S से स्टार्ट हो रहे हैं या L से स्टार्ट हो रहे हैं, बीच में कुछ भी आ रहा है, मैंने स्टार डाल दिया है, यानी बीच में कुछ भी, कोई भी करेक्टर आ रहा है और T पर वो एंड हो रहे हैं। तो आप देखिए राइट, साइट, टाइट इसने छोड़ दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर लिए R, S एंड L। राइट, साइट एंड लाइट को इसने सर्च करके दिखा दिया है। नेक्स्ट है एनी सिंगल करेक्टर इन दिस रेंज, रेंज सिलेक्टर। मुझे ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि R से स्टार्ट हो रहे हैं या R से लेकर T तक के बीच में जितने भी करेक्टर्स आते हैं, R,
अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आर से लेकर टी के बीच में जितने भी करेक्टर्स आते हैं, आर एस टी, तो वहां से लेकर वहां तक जितने भी आते हैं वो सब हमने सिलेक्ट करने हैं। तो आर हाइफन टी मैंने लगाया है, यानी आर से लेकर टी के बीच में कुछ भी। आई जी एच टी, देखिए राइट को सिलेक्ट किया, साइट एंड टाइट, लाइट को नहीं किया बिकॉज एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एल पहले आ जाता है। थोड़ा सा मॉडिफाई अगर इसको कर लेंगे, एल से स्टार्ट होकर अगर एस तक के मैं लेटर्स लेता हूं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। राइट को सिलेक्ट किया गया है, साइट को किया गया है, टाइट को नहीं किया गया है और लाइट को किया गया है, क्योंकि एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस तक के हमने उठाए हैं, टी को हमने छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, एनी सिंगल करेक्टर एक्सेप्ट द करेक्टर्स इन द रेंज इन साइड द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो रेंज दी गई है, यानी ऊपर वाले के जस्ट उलट, जो ब्रैकेट में रेंज दी गई है उसको हम सिलेक्ट नहीं कर रहे। इसी एग्जांपल पे अप्लाई करके देखते हैं। अगर इसको नोट कर दिया जाए, अभी क्या क्या सिलेक्ट हो रहा था, राइट साइट एंड लाइट, लेकिन अब सिर्फ टाइट ही सर्च होकर आ रहा है। राइट साइट एंड लाइट को इसने मिस कर दिया है, यानी प्रीवियस जो केस था, प्रीवियस जो सिनेरियो था, उसका जस्ट रिवर्स सिनेरियो है ये। थोड़ा और समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मुझे ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि टी से स्टार्ट होते हों, उसके बाद नेक्स्ट लेटर ए से लेकर एम तक कुछ भी ना आए, उसके बाद सी एंड के आए। तो ए से लेकर एम तक सब मिस कर दिया इसने, यानी टैक एंड टिक इन दोनों को इसने मिस कर दिया है, टॉक एंड टक को सर्च करके दिखा दिया है। नेक्स्ट है, एग्जैक्टली एन ऑकुरेंसेस ऑफ द प्रीवियस करेक्टर और एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली एन मीन्स एक पर्टिकुलर करेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है। मुझे ढूंढना है एफ के बाद ई की एक ऑकुरेंस आए, एग्जैक्टली वन ऑकुरेंस मुझे सर्च करनी है, वन, एंड आफ्टर दैट डी आई। अब देखिए एफ ई डी सर्च करके दिखा दिया है इसने। वहीं अगर मुझे ई की टू ऑक्यूरेंसेज, यानी ई दो बार रिपीट हो, फीड को अब इसने सर्च किया है। नेक्स्ट है, एट लीस्ट एन ऑक्यूरेंसेज ऑफ द प्रीवियस करेक्टर और एक्सप्रेशन। एट लीस्ट के केस में हम एक कोमा और ऐड कर देंगे। इसी एग्जाम्पल में अगर मुझे एट लीस्ट वन ऑक्यूरेंस चाहिए तो मैं कोमा लगा दूंगा। देखिए एफ ई डी को भी सर्च किया जा रहा है और एफ डबल ई डी को भी सर्च किया जा रहा है। यही मैं एटलीस्ट टू अगर कर दूं तो सिर्फ एफ डबल ई डी को ही सर्च किया गया है। नेक्स्ट है, फ्रॉम एन टू एम ऑक्यूरेंसेज ऑफ द प्रीवियस करेक्टर और एक्सप्रेशन, यानी पिछला करेक्टर जो भी है उसकी इतने से लेकर इतनी ऑक्यूरेंसेज ही अलाउड हैं, उसको आपने सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिसमें 0 एक बार, दो बार या मैक्सिमम 3 बार हो, तो उसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा 10। मुझे 0 की ऑकरेंस चेक करनी है, यानी 10 के बाद मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा, यहां लिखूंगा 1, 3। इसका मतलब हो गया कि एक से लेकर 3 बार 0 हमारा रिपीट हो रहा हो। हम 0 के बाद करली ब्रैकेट लगा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 0 की ऑक्यूरेंसीज पे हम बात कर रहे हैं। अब आप देखिए 10, 100, 1000 एंड 10,000 का लास्ट 0 इसने छोड़ दिया है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ इतनी ही ऑक्यूरेंसीज को चेक कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, वन और मोर ऑक्यूरेंसीज ऑफ द प्रीवियस करेक्टर और एक्सप्रेशन, यानी पिछला जो करेक्टर है उसकी एक या एक से ज्यादा ऑक्यूरेंस हो, उसे हमें सर्च करना है। उसके लिए हम एट द रेट सिंबल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एल के बाद ओ की ऑक्यूरेंसेस पे काम करना है, ओ एट द रेट एंड टी। इसका मतलब ये हो गया कि एल ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ की एक या एक से ज्यादा ऑक्यूरेंस है और उसके बाद टी आ रहा है, ओ की एक या एक से ज्यादा ऑक्यूरेंस है, इसको हमें सर्च करना है। अब ये देखिए ओ की एक ऑक्यूरेंस है यहां पर, ये सर्च हुआ, एक से ज्यादा दो ऑक्यूरेंस हैं वो भी सर्च हुआ। तो इस तरह से आप वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड में यूज होने वाले सिंबल्स को ही अगर आपको सर्च करना है, उसके लिए आप बैक स्लैश लगाएंगे। हमारे पास ये एग्जाम्पल है,
नीचे एक ईमेल आईडी लिखी है और उसमें एट द रेट सिंबल का यूज किया गया है। वाइल्ड कार्ड में अगर मैं डायरेक्ट एट द रेट को सर्च करता हूं तो वो सर्च नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ करेक्टर फॉर दिस वाइल्ड कार्ड। तो एट द रेट को सिलेक्ट करने के लिए मुझे एट द रेट से पहले बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, तभी एट द रेट जो है वो सर्च होगा। इस बैक स्लैश का यूज आप किसी भी तरह के स्पेशल करेक्टर्स जो हमारे वाइल्ड कार्ड में यूज हुए हैं उनको सर्च करने के लिए कर सकते हैं। वो स्पेशल करेक्टर जैसे क्वेश्चन मार्क एनी सिंगल करेक्टर के लिए, एनी स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स के लिए स्टार, बिगिनिंग ऑफ वर्ड के लिए लेस देन एरो, एंड ऑफ वर्ड के लिए ग्रेटर देन एरो, वन ऑफ द स्पेसिफाइड करेक्टर्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, एनी सिंगल करेक्टर इन दिस रेंज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स और बीच में हाइफन का यूज, एनी सिंगल करेक्टर एक्सेप्ट द करेक्टर्स इन द रेंज इनसाइड द ब्रैकेट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, बीच में एक्सक्लेमेशन, एंड देन जो हमें जहां से जहां तक के करेक्टर्स लेने हैं उनके बीच में हाइफन, और एग्जैक्टली एन ऑकरेंसेस के लिए करली ब्रैकेट में एन, एटलीस्ट एन ऑकरेंसेस के लिए करली ब्रैकेट्स में न्यूमेरिकल जो भी लेना है आपको, एंड उसके बाद कोमा। फ्रॉम एन टू एम ऑकरेंसेस के लिए आप वो दो न्यूमेरिकल लेंगे, उनके बीच में कोमा लगाएंगे और करली ब्रैकेट में डालेंगे, और वन और मोर ऑकरेंस के लिए आप एट द रेट लगाएंगे। ये सब स्पेशल करेक्टर्स हैं जिनका यूज करके हम वाइल्ड कार्ड सर्च करते हैं, और इन्हीं को ही अगर सर्च करना है तो आप बैक स्लैश का यूज करेंगे। आप एक या एक से ज्यादा वाइल्ड कार्ड सिंबल्स को मिक्स करके ग्रुपिंग कर सकते हैं, और उनको ग्रुप करने के लिए आप पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो कि पी आर से स्टार्ट हो रहे हैं, बीच में कुछ और हैं उनके, कोई भी लेटर्स हैं बीच में, और ई डी पर फिनिश हो रहे हैं। ये दो दो लेटर जब आप लेंगे तो इसको आप ग्रुपिज्म करेंगे, पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, और ग्रेटर देन एरो फिर लास्ट में लगाएंगे बिकॉज मुझे एंडिंग डिफाइन करनी है। तो मुझे ऐसा वर्ड ढूंढना है जो पी आर से स्टार्ट हो रहा है, ई डी पर फिनिश है, और बीच में बहुत सारे करेक्टर्स हैं। मैं जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करूंगा मुझे ऐसा वर्ड उसने ढूंढ कर दे दिया है। आप बैक स्लैश एन का यूज भी कर सकते हैं। बैक स्लैश एन का मतलब यह है कि आप न्यूमेरिकल लिखेंगे किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिवर्स करने के लिए, उनका जो अरेंजमेंट है उसको चेंज करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल से करके दिखाता हूं। इस एग्जांपल को समझने के लिए एडवांस फाइंड के साथ हम रिप्लेस का यूज करेंगे। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, यहां पर ग्रुप बनाएंगे दो, एक ग्रुप है स्मार्टो। ग्रुप बनाने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, और उसके बाद दूसरा मैं बना रहा हूं SYSTEMS सिस्टम्स। ये मैंने दो वर्ड्स लिख लिए हैं, दोनों को पैरेंथेसिस में डिफाइन किया, इससे ये कंफर्म हो गया है कि ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। बीच में एक स्पेस दे देंगे, और इसको मुझे रिप्लेस करना है \2\\1 से। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला ग्रुप है वो बाद में आ जाएगा, जो दूसरा ग्रुप है वो पहले आ जाएगा। स्पेस आपको देना है, ध्यान रहे, और रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए स्मार्टो सिस्टम जो है वो सिस्टम स्मार्टो बन गया है, यानी बाद वाला जो वर्ड है वो पहले आ गया है और जो पहले वाला वर्ड है वो बाद में चला गया है। इसका यूज हम ऑर्डर्स चेंज करने के लिए करते हैं, फर्स्ट नेम को लास्ट नेम में और लास्ट नेम को फर्स्ट नेम में लगाने के लिए कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस का यूज हम बहुत सारे बल्क टास्क को आसान करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टेम्पलेट्स हैं और उस टेम्पलेट में हमने चेंज करना है किसी और का नाम, एड्रेस लगाना है। रिज्यूम अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, या कोई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसमें हम बहुत सारे लेटर्स को, बहुत सारे वर्ड्स को रिप्लेस करना चाहते हैं अलग अलग तरीके से सर्च करके, तो वहां पर ये फाइंड एंड रिप्लेस टूल हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरह से वाइल्ड कार्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है।